हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, फायरबोल्ट एक ऐसा ब्रांड है जो रेगुलर बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है, स्पेशली स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस तो आपको हर मंथ 3-4 फायरबोल्ट के देखने को मिल ही जाएंगे। ऐसे में फायरबोल्ट एक नया स्मार्ट वॉच लेकर आ रहा है जिसका नाम है फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स प्लस। अच्छा खासा लंबा नाम है इसका एंड ये एक बजट लेवल का स्मार्ट वॉच है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्ट वॉच के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसा है ये स्मार्ट वॉच, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट किस प्राइस ब्रैकेट में ये आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक बजट लेवल वाला स्मार्ट वॉच परचेस करने का तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको ये फायरबोल्ट का नया स्मार्ट वॉच पसंद आ जाए। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू दी वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के लॉन्च डेट एंड प्राइस के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट इंडिया एंड फायरबोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड इसका जो लॉन्च प्राइस रखा गया है वो है सिर्फ 1599 रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम बजट में ये मिल रहा है। बाद में हो सकता है इसका प्राइस इंक्रीज हो, लेकिन इसका लॉन्च प्राइस सिर्फ 1600 रुपीज रखा गया है। कुछ दिन पहले मैंने इसी बजट का एक स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग किया था, बोट का वेव कॉल, वो भी बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच था। तो इस प्राइस ब्रैकेट में अच्छा खासा कंपटीशन है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर लुक्स की बात की जाए तो लुक्स बहुत ही अमेजिंग दिया हुआ है। ये स्मार्ट वॉच स्क्वायर शेप डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसमें बहुत ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी दी गई है एंड मेटल फिनिशिंग भी दिया हुआ है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा स्मार्ट वॉच पसंद है जिसमें स्क्वायर शेप डिस्प्ले हो तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। मुझे तो इसका लुक्स बहुत ही अच्छा लगा एंड इसमें आपको मिलता है 4-5 कलर ऑप्शंस लाइक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, मरून एंड पिंक। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। सारा में आपको मेटल फिनिशिंग देखने को मिलता है तो अच्छा लग रहा है स्मार्ट वॉच देखने में। साथ में अगर डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दें इसमें मिलता है 1.83 इंच का डिस्प्ले एंड ये एक TFT डिस्प्ले है एंड इस प्राइस ब्रैकेट में आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है तो TFT डिस्प्ले से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर इसके रिजोल्यूशन की बात की जाए तो इसका रिजोल्यूशन है 240x284 पिक्सल्स, तो आपको अच्छा खासा क्लैरिटी ये डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर देता है। आप डायरेक्ट सनलाइट में इसे आराम से यूज कर पाइएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। तो ये तो हो गया डिस्प्ले का बात, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की। तो इसमें 27 स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड है इसमें, तो आप आराम से इसे यूज कर पाइएगा। इसके साथ ही इसमें सारा ट्रैकिंग्स मिल जाता है लाइक SPO2 मॉनिटर, 24x7 हार्ट रेट ट्रैकिंग, जायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, उसके साथ ही स्लीप मॉनिटरिंग भी दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट बेसिक लेवल के सारे ही ट्रैकिंग्स इसमें दे दिए गए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एंड ट्रैकिंग्स के लिए ही तो अधिकतर लोग एक स्मार्ट वॉच परचेस करते हैं। साथ में ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा लाइट वेट है जिसकी वजह से आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है, तो आप लंबे टाइम तक इसे पहन सकते हैं आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, साथ में स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि आपके कॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सारा नोटिफिकेशन और आपका टेक्स्ट का भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच में ही आपको मिल जाएगा। मल्टीपल वॉच फेसेस दिए हुए हैं तो आप हर दिन अपने चॉइस के हिसाब से नए नए वॉच फेसेस लगा सकते हैं। साथ में इसमें अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें 220mAh की बैटरी दी गई है जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको 8 डेज का बैटरी बैकअप मिलने वाला है एंड अगर आप इसे स्टैंड बाई मोड में यूज कीजिएगा तो 30 डेज का बैटरी बैकअप देता है, तो बैटरी बैकअप का कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है इसमें। स्मार्ट फीचर्स की बात की जाए तो बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं लाइक आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने स्मार्ट वॉच को एज ए रिमोट यूज कर सकते हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, साथ में म्यूजिक कंट्रोल दिया हुआ है, आप म्यूजिक फॉरवर्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फीचर होता है। साथ में वेदर फोरकास्ट आप चेक कर पाइएगा अपने स्मार्ट वॉच में ही। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो 1600 रुपीज में अच्छा पैकेज है, आपका बजट 1600 रुपए है एंड आपको इतना ही रिक्वायरमेंट है तो आप इस स्मार्ट वॉच के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग चाहिए एंड आप थोड़ा सा बजट आगे
बढ़ा सकते हैं। तो 1600 रुपए में आप 100-200 रुपए ज्यादा करके ये बोट का वेव कॉल परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच है, ये भी मैंने 1700 रुपए में परचेस किया था। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाता है एंड इसका भी अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर रखा है हमारे चैनल में, आप वहां से जाकर इसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं एंड इस स्मार्ट वॉच को भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वॉच है। तो आप जब भी एक स्मार्ट वॉच परचेस करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अपना रिक्वायरमेंट क्या है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फायरबोल्ट का नया निंजा प्रो मैक्स प्लस स्मार्ट वॉच, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड क्या आप इसे कंसीडर कर रहे हैं या नहीं परचेस करने के लिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे फीचर वाइज अच्छा लग रहा है देखने में। ये प्रोडक्ट का जो लॉन्च है वो है 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट इंडिया एंड फायरबोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लॉन्च के बाद तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।